I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. मैंने क्या बोला था, मैं परसों आऊंगा ना, और आया नहीं? आया आया ना आया मैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कंट्री व्लॉग्स। और गाइस मौसम देख रहे हो कितना ऑसम हो रखा है। और गाइस अभी मैं जस्ट आया था कॉलेज से, एंड देन मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। आज कॉलेज में व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि थोड़ी काम के लिए गया था, वो कम्प्लीट करके आ चुके हैं हम लोग। और बारिश हुई थी भाई बहुत, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने तो थोड़ा सा व्लॉग शाम के टाइम पे स्टार्ट करा है, तब दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी बादल लगे हुए हैं, देख रहे हो पूरा पैक हो रखा है मौसम। वो देखो सामने, सामने देखो गाइस, वो दिखाऊँ, वो देखो, वो देखो। और गाइस आज हम लोग एक काम करने वाले हैं, आज 8 तारीख, जैसे मैंने आप लोग को बताया था पिछले व्लॉग्स में कि 8 तारीख के दिन हम लोग कोई चीज़ बांटा करेंगे, ठीक है, बच्चों को, जो गरीब बच्चे वहाँ पर बैठे रहते हैं बेचारे उनको, है ना गाइस। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो उनको भाई बिस्किट वगैरह जो हमसे हो सकेगा वो देकर आएंगे मस्त। और चलो अब चलते हैं नीचे। नीचे जाने से पहले गाइस ये देखो पेड़ कितने हरे भरे हो जाते हैं जैसी बारिश होती है। ये देखो, ये देखो, ये तो मैंने लगाया था, है ना, कितना मस्त लग रहा है। और गाइस देखो मम्मी मेहनत कर रही है, मम्मी फिर गीले हो जाएंगे कपड़े, बारिश हो जाएगी, देखना हैं होगी, देखो ना पैक है पूरा मौसम। यही डाल दो, मैं तो कह रहा हूँ अंदर साइड। गाइस मम्मी ने कपड़े धोए थे, देखते हैं गीले हो जाएंगे पक्का। तो गाइस वो टाइम आ चुका है कि अब हम दोनों भाई जा रहे हैं दिव्यांश चैम्बर पे, और मैं जा रहा हूँ भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको बिस्किट बांटने, क्योंकि भाई मैंने बोला था कि हर 8 तारीख को बांटूंगा, और लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता था कि अब आने वाली 8 तारीख बहुत ज़्यादा पास में है। तो गाइस मेरे पास कितने पैसे हो पाए बताऊँ, कितने पाए? 10-10 रुपये करके मैंने करे 90 रुपीज़, ठीक है। और इसमें डाला जोड़ रहा है किसका, दिव्यांश का बिजनेस ऐसे कर रहा है। क्या क्या पैसे भी कम है, ये दे गाइस, ये दे दे, ये मेरे हो है ना। नहीं 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 गाइस, ये इसकी कॉक है, और गाइस इतने पैसे मैंने जमा करे थे कुछ, है ना। और इसके भाई बिस्किट पैकेट ले लेंगे एक, और वो बच्चों में बांट देंगे, है ना। हाँ। और गाइस चलो चलते हैं, वरना कहीं बारिश हो गई तो फिर देर हो जाएगी। तो गाइस कुछ इतने पैसे हो पाए थे जो 10-10 करके मैंने जमा करता था ना, तो भाई 10 दिन ही कॉलेज गया था मैं, और कुल मिला के मेरे पास हुए थे 100 रुपये। तो गाइस चलो चलते हैं, और आज 8 तारीख भी है तो फटाफट से चलते हैं और बिस्किट वगैरह बांट के आते हैं बच्चों को। अभी हम दोनों जा रहे हैं एक अच्छा काम करने, जा रहे हैं बस आकर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, अच्छा काम। तो गाइस वी आर रेडी टू गो, बस मम्मा बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो, अगर बारिश हो गई तो फ़ोन बिक जाएगा हमारा। हाँ हैं, पन्नी दे दो। हाँ पन्नी दे दो, पैसे गए, अरे पैसे गिरा दी नाली में, ये सही है गाइस, पन्नी, इस पन्नी को पकड़ दे। चलो चलते हैं अब, चलो गाइस अब चलते हैं सीधे और करके आते हैं अच्छे अच्छे काम, और इसकी कॉक भी ले आएंगे। हेलो भैया, हेलो भैया कैसे हो? बस बढ़िया। मैं क्या ना, बात सुनो, आपकी दुकान में वो है बिस्किट का पैकेट, पूरा वाला पैकेट, पैकेट आता है बिस्किट का, है? अच्छा चलो वहीं से ले आता हूँ। तो भाई देखो भैया की शॉप है ना, भैया सब्सक्राइबर भी हमारे, बस हम कहाँ से ले लेंगे बिस्किट वगैरह। हाँ तो भाई पहुँच चुके हैं हम लोग शॉप पर, मैंने भैया के यहाँ पता कर लिया था लेकिन उनके यहाँ था ही नहीं, तो मैंने सोचा फिर यहीं से ले लेते हैं ना, यहाँ मिल जाएगा क्योंकि गोदाम टाइप का है इनका, आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। तो वही ज़्यादा ले लूँ क्या, ये वाला ले लूँ, ये वाला ले लूँ अंकल, यार कितने का है? हाँ दो ले ले रहे ना, अभी तो इसको पकड़ ले, ओके इसको तो रख ले, चल मैं रख लेता हूँ उसको। तो गाइस यही जो हमने कलेक्ट करे थे पैसे ये थे, लेकिन कम पड़ गए तो मैंने इसे ले ली 100 रुपये उधार, ओके। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर, ओए इधर आओ भाई, देखो कैसे भागते हुए आ रहे हैं। तुम्हें मुझे पहचाना? हाँ। कैसे पहचाना? उस दिन आप आए थे। मैंने क्या बोला था, मैं परसों आऊंगा ना, और आया नहीं? आया आया ना आया मैं। हाँ।
चलो तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, बताया मैं। और दोस्त कहाँ है तुम्हारे? अब नहीं। कहाँ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं, ये हमारे भाई बहन जैसे ही हैं गाइस, तो इनको बांटने। तो मेरे भाई बहन हो ना? एक मेरा भी है इसमें, सभी के साथ साथ एक इसका भी, एक जांच का भी, एक और दोस्त है ये तुम्हारे उधर साइड है, उनको बुला दो ठीक है। भाई अभी बच्चे गए हैं अपने और दोस्तों को बुलाने, तब तक भाई ये देखो कौन भाई जा रहा पूरा आर्मी का, भाई ये देखो मस्त, बिल्कुल क्या मस्त लग रहा है ना। अब गाइस देखो ये मेरे लिए भी तो है, देखो जैसे तुम लोग हो वैसे मैं भी हूँ ठीक है, ये मेरे लिए है ओके। चलो एक मैं और दे दे रहा हूँ ठीक है, अब नहीं अब मैं भी खाऊंगा ना ओके ओके ना, दे तो दिया भाई, चल तू भी ले ले इसको बात ठीक है भाई। अभी रमेश इसको कहा था मैंने कि आऊँगा मैं दो दिन बाद, तुम भी थे उस दिन गाइस मैं आया, और अगली बार 8 तारीख को इसी दिन फिर से आऊँगा ठीक है पक्का। लेकिन कभी किसी से ऐसे मांगा मत करो ठीक है, सब अपने आप दे देंगे ठीक है। और सबसे थैंक यू बोला करो, क्या बोलोगे? और यहाँ पर बोलते सभी लोग बोलते हेलो गाइस, चिल्ला के बोल दो एक बार गाइस। बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, बहुत अच्छे, जैसे तुम लोग हो ना वैसे मैं भी हूँ। और ये बिस्किट मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ, ये मेरा भाई है, मैं हूँ और दो भाई बहन और हैं, उन सबके लिए लेकर जा रहा हूँ ये ठीक है। देखो चार हैं और चार भाई बहन हम हैं, ये हमारे लिए है ठीक है। अगली बार आएंगे 8 तारीख को मिलते हैं फिर ठीक है ओके, चलो बाय बाय। तो गाइस बच्चों को दे दिया मैंने, और कितने खुश हो गए इनके चेहरे देखे आप लोगों ने, खिल उठे भाई सभी के। और अगली बार फिर से आएंगे गाइस हम लोग 8 तारीख को, और इस बार थोड़ी सी मनी ज़्यादा करके लेकर आएंगे ठीक है ना, क्योंकि इस बार कितने छुट्टियाँ ना पड़े कॉलेज की तो ज़्यादा हो जाएंगी, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन वो कर लेंगे गाइस हम लोग मैनेज। और कितना अच्छा लगता है ना यार, आज मैं सोचता हूँ अपनी दादी के बारे में, क्योंकि भाई मेरी दादी ने बहुत करा सभी के लिए, और आज मैं करता हूँ, आज मैं कर रहा हूँ ठीक है, उन्हीं के बलबूते पे कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ उनके बलबूते में कर रहा हूँ। और गाइस मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं सबके लिए हेल्प करा सकूँ, सबकी हेल्प करा सकूँ तो भाई प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करना मुझे, जितने ज़्यादा लाइक कर सकते वीडियो उतना ज़्यादा लाइक करना चलें अब। और गाइस चारों बिस्किट हम भाई बहनों के लिए, क्योंकि जैसे वो लोग हैं वैसे हम लोग भी हैं, है ना। आ चुके हैं गाइस हम लोग घर पे, और बिस्किट वगैरह लेकर आए थे ना अपने अपने लिए, हम लोग 4 बजे थे, 4 या 5 बजे थे हम लोग अपने लेकर आए थे, जिससे कि उन बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम लोग सिर्फ उनको ही बांट रहे हैं, तो मैं अपने लिए भी ले आया था। और गाइस हम लोगों ने वो खा लिए हैं, और ये देखो अभी स्नैक लाइट लेकर आए हैं, पापा मार ले तो स्नैक लाइट भी खाते हैं। और गाइस यहाँ पर देख रहे मस्त एक खाई जा रही कतली, भाई कतली मुझे भी दे दो दे दो। कब खाया मैंने माई फेवरेट गाइस, ये मेरी फेवरेट है। मम्मी आज हम अच्छा सा काम करके आ गए, वो वाला बच्चों की चेहरे पर हंसी आ गई पता है, खुश हो गए बेचारे वो। तो गाइस मम्मा भी कर रही हैं पूजा, और पीछे लाइटिंग देख रहे हो कितनी मस्त आ रही है ना, और सामने देखो कितनी प्यारी आ रही है। सबसे बेस्ट लगा मुझे पापा ये वाली लाइट लेकर आए ना, सबसे बेस्ट हुआ कि ये वाली लाइट आई, जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा। गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर, मम्मी से चीज़ें सीखी थी, मम्मी ने बुलाया बोले सीख तू भी सीख, पापा लोगों को आता तो तू भी सीख। तो गाइस आज मैं गूंदूंगा आटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हैं कभी अकेले भी रहना पड़ता है, अकेले कैसे रहेंगे भैया, हम अकेले नहीं रहेंगे। क्यों, कहीं नौकरी करेगा कहीं बाहर जाएगा तो हर जगह तेरे पीछे तेरे मम्मी पापा लग रहेंगे, और क्या साथ में इस साथ में है ना। देखो यहाँ ले लिया आटा मैंने इतना सारा, बस खराब ना हो भगवान जी, पहली बात में अच्छा गूंदे, मम्मा बताओ अच्छा गूंदेगा या नहीं गूंदेगा, जल्दी बताओ क्या बहुत बढ़िया पक्का, और अच्छा गूंदना खूब मसक लगाना इसमें, तभी रोटियां देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी रोटी मिलेगी खाने को। फिर पहले इसमें आटा जैसे ऐसे कर दे रहा हूँ, आटा तो गूंद दिया था गाइस मैंने, उस आटे की रोटी बन चुकी है मस्त वाली बिल्कुल। ये देखो पापा खाने, पापा कैसी है रोटी,
रोटी कैसी है बताओ आप? सही है, बढ़िया, बिल्कुल आपकी तरह से अच्छी सी। तूने बनाई क्या? और क्या गाइस, आज खाने बना, देखो मेरे पास दही है, यहाँ पर है हमारे आलू और यहाँ पर हमारी रोटी। मस्त खाना खाते हैं गाइस। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ यहाँ आइसक्रीम खाने, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन आइसक्रीम लेगी तू बता क्यों? क्योंकि इन्होंने भी मुझे कहीं तमाचा मार दिया तो क्या होगा? क्या हो गया? बाहर बारिश हो गई बहुत तेज। वो तो अच्छा भैया आप नहीं थे, और भैया ने कहा अंदर ही आ जाओ, हम लोग अंदर ही बैठे हुए हैं यार। मज़ा आ गया लेकिन गाइस, ऐसे मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना जब, विद आइसक्रीम। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा भैया? हम लोग आ चुके हैं गाइस घर पे, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बार मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और चलो अब उसी के साथ इस सारे लोग कहीं पर देते हैं एंड। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय।